नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा सूचना केंद्र एवं मार्गदर्शन ब्यूरो भवन का उद्घाटन यानी इंफॉर्मेशन सेंटर एवं गाइडेंस ब्यूरो विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर विजय कायत ने किया सेंटर का उद्घाटन। 644.10 वर्ग मीटर में स्थापित यह भवन लगभग 1,74,00,000 रुपये में की लागत से तैयार हुआ। इसके अंदर एक बड़ा प्रवेश कक्ष है जो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। विश्वविद्यालय के छात्रों को एक ही छत के नीचे सूचनाएं मिल पाएंगी। पूरे विश्वविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग भी यहीं से होगी। किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आगंतुकों को संबंधित ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब सारी सूचनाएं यहीं से मिलेंगी। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विजय कायत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि यह भवन विश्वविद्यालय के आने वाले विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को प्रत्येक प्रकार की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उन्होंने बताया कि भवन केवल सूचना देने का काम ही नहीं करेगा बल्कि सुविधा देने का भी काम करेगा। इसके अंदर कैश काउंटर और पूछताछ काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर विद्यार्थी अपनी फीस जमा करवाने के साथ साथ किसी भी प्रकार की शैक्षणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस भवन के प्रथम तल पर लोक संपर्क अधिकारी और सुरक्षा विभाग प्रभारी का कार्य भी होगा। इसके अलावा इस भवन के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सभी सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण कक्ष भी यहाँ स्थापित किया गया है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। हमारे यहाँ आज बहुत ही खुशी की बात है और मुझे ये बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि माननीय हमारे चांसलर कुलाधिपति श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन करना था 4 तारीख को, लेकिन उस दिन क्योंकि चंडीगढ़ में वर्षा बहुत ज़्यादा थी तो उस दिन वो यहाँ नहीं आ पाए थे, चौपर टेक ऑफ नहीं कर पाया था। तो हमने उनसे निरंतर संपर्क किया, उनसे निवेदन किया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरो की बिल्डिंग है, इसमें हम लोग कई ऑफिस चलाने वाले हैं। इसमें विशेष तौर पर विद्यार्थियों को और उनके पेरेंट्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये बिल्डिंग बनाई है। यहाँ पर हम कई ऑफिस बनाने वाले हैं। ये सारी बिल्डिंग रूसा के तहत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो भारत सरकार का मिशन है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए वो फंडिंग करते हैं, उसी से करीब 1,74,00,000 रुपये से ये बिल्डिंग बनी है। और इसमें हम लोग विद्यार्थियों को इमीडिएट तुरंत सूचनाएँ देंगे, उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो ग्रीवेंसीज हैं, उनको यहाँ से एड्रेस करेंगे। इस बिल्डिंग में बैठने वाले अधिकारी निरंतर हमारे ब्रांच ऑफिसर्स के साथ संपर्क में रहेंगे। जो विद्यार्थी आएंगे, चाहे उनकी डीएमसीज की प्रॉब्लम है, चाहे रिजल्ट्स की प्रॉब्लम है, या उनको कोई और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो निरंतर इस बिल्डिंग के माध्यम से यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हो जाएंगे। ब्रांचेज में, हाँ जी, ब्रांचेज में नहीं जाएंगे, यहीं से हम सारा इसको गवर्न करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, कई और जगह जहाँ नहीं है वो हम सब लगाने जा रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर बड़े पैनल्स लगेंगे और यूनिवर्सिटी की हर एक्टिविटी पर, चाहे वो कर्मचारी हैं हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे बाहर से आने वाले लोग हैं, हम सिक्योरिटी पर्पज़ को भी इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ में उनकी जो आने वाले लोग हैं उनकी भी मॉनिटरिंग होगी। यहाँ पर पैनल्स पूरी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ यहाँ जुड़ जाएंगी, एक तरह से कंट्रोल रूम होगा हमारा यूनिवर्सिटी का। और इसके पर वाइस चांसलर जो होंगे नज़र रखेंगे, इसके साथ वाइस चांसलर ऑफिस भी जुड़ेगा इसके साथ में। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उनकी ग्रीवेंसीज शेयर करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरो है। ये केवल सूचनाएं नहीं बल्कि सुविधाएं देने का भी केंद्र है। और कई ऑफिस जैसे सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ बैठेंगे, खासकर सिक्योरिटी सुपरवाइजर वगैरह यहाँ बैठेंगे। और इसके अलावा दूसरे PRO साहब हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, वो लोग बैठेंगे यहाँ पर। वो सोसाइटी से, स्टेट से, विद्यार्थियों से, समाज से और यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के सभी ऑफिस से यह जुड़ के काम करेगा। और हमारे विश्वविद्यालय का एक प्रकार से दिल होगा यह, जब विद्यार्थियों के इश्यूज को लेकर धड़केगा, संवेदनाएं होंगी यहाँ के, इसमें हर आदमी काम करने वाले उनको मानसिक तौर पर हम लोग तैयार करेंगे ताकि विद्यार्थियों की सुविधाएँ हम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें।